हमको टॉर्चर किया जाता है प्रिंसिपल मैम और क्लास टीचर, हम लोग हमको दोनों टॉर्चर करती है। सबसे अच्छे से बात करती है लेकिन मेरे से नहीं करती है। वो नहीं है तो सुनिए ना चुप से। अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं। Yes, definitely the principal should be the answerable person, and I think this matter it should have been discussed in front of the principal itself, because she knows the matter A to Z. रांची के दुर्बा से बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पेरेंट्स स्कूल पर इल्जाम लगा रहे हैं कि हमारे बच्ची को स्कूल वाले प्रताड़ित कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं, बाकी बच्चों से दूर रख रहे हैं, होमवर्क करके आने पर भी होमवर्क चेक नहीं कर रहे हैं आदि। वहीं स्कूल का कहना है कि बच्ची बहुत ही बदमाशी करती है। पहले की बच्ची के अभिभावक क्या कहते हैं? कौन होता? मेरी एक बेटी है। वो नहीं है तो सुनिए ना चुप से। अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं। हम कहाँ सपोर्ट कर रहे हैं? अरे आपके शौहर बोल रहे हैं ना, उनकी बात को सुनिए पहले। आप इसको चुप कराइएगा तो ना, हम लोग को चुप करा दे रहे हैं आप, मगर इनको चुप नहीं करा रहे। आप चुप रहिए ना, वो बोल रहे हैं, हम बात कर रहे हैं। क्यों बोले कि चलिए आपका बेटी को देख लेते हैं, वो बात कर रहे हैं, बात बोलने। अभी आप लोग बहुत बड़ा इशू बना रहे हैं इसको, जो 16 तारीख से मेरा बच्चा को टॉर्चर किया जा रहा है। आप उनको बोल रहे हैं ना, 16 जुलाई से टॉर्चर किया जा रहा है, उसको नहीं बोल रहे, उसको मेरे बच्ची के साथ माइंडली टॉर्चर किया जा रहा है। किस तरह का टॉर्चर स्कूल में आ रही है? तो मेरी बच्ची का 16 जुलाई को एडमिशन कराएं, उस समय फर्स्ट दिन हम लोग ले कर के आए, उस दिन ठीक रहा स्कूल, दूसरा दिन भी बच्ची आई, ठीक रहा, अच्छा हंसी खुशी से गई। तीसरा दिन से कंप्लेन जाने लगा कि आपकी बच्ची डायरी ले कर के नहीं आई है, ऑलरेडी डायरी ले कर के आई है, आपकी बच्ची कॉपी ले कर के नहीं आई है, होमवर्क करके नहीं आई है, बाहर खड़ा कर दिया जा रहा है कि होमवर्क नहीं की है। जी हम कॉल किए, कॉल करने के बाद बोले कि पहले तो सलाम दुआ हुई, उसके बाद हम बोले कि मैम आज फिर क्या हो गया? कल फ्राइडे था, कल जब हम लोग गए तो कल किसी तरह का कुछ बात नहीं हुआ, आज फिर किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, आज फिर कुछ हो गया है। तो बोले कि नहीं, आप लोग का रोज़ हम नहीं सुनेंगे, रोज़ आप लोग का नहीं सुनेंगे, यही बोल रही। उसके बाद हम बोले कि नहीं, आप तो इतना हाइपर हो जाते हैं, इतना चिल्ला के बात करते हैं, आप थोड़ा सा भी नॉर्मल होइए, नॉर्मल होइएगा तो ही तो हम बात करेंगे, हम बात रखेंगे कि क्या हुआ नहीं हुआ। आप मेरी बच्ची को क्यों डायरी फेंक करके मारे? और आप वो का क्या राइट बनता है कि जब बच्चा मेरी बैठी हुई है गाड़ी में, गाड़ी से उतार करके डायरी मंगा करके बच्चा को बुला करके और उसको ज़बरदस्ती आप बोल रहे हैं कि नहीं तुम ये चीज़ गलती की हो, एक्सेप्ट करो। अब बच्चा डर के मारे वो बोल रही है जी मैम गलती कर दिए, सॉरी। बच्ची मेरी 2 बजे रात तक तिरंगा झंडा बना के लाई थी, उसको भी फाड़ा गया। ये तो हमारा देश का शान है, तो फिर उसके साथ ठीक है मेरी बच्ची के साथ मिसबिहेव किए, वो भी हम मानते हैं, ठीक है, पर जो हमारे देश का शान है तिरंगा झंडा, उसके ऊपर भी मिसबिहेव किया गया, उसको क्यों फाड़ी? और हम खुद वेल एजुकेटेड हैं, BA LLB हैं, ठीक है, जुडिशियली का 2 साल पढ़ाई कर चुके हैं, ऐसा नहीं कि हम जाहिल इंसान हैं, ठीक है। सारा रूटीन हम खुद से सेट करके भेजते थे, उसके बाद भी एक्स्ट्रा बुक मांगा जाता था बच्ची से, ये बुक लाई हो नहीं लाई, तो फिर धुलाई हो गया। तो जो रूटीन आप स्कूल से लिखवाए हैं, तो भैया बच्चा तो स्कूल के रूटीन के हिसाब से ही किताब लेके आएगा ना। हमको टॉर्चर किया जाता है प्रिंसिपल मैम और क्लास टीचर, हमको दोनों टॉर्चर करती है। सबसे अच्छे से बात करती है लेकिन मेरे से नहीं करती है। क्या बोलती है मैडम ना, वो थोड़ी स्ट्रिक्ट होती है, थोड़ी नॉर्मल होती है, तभी तो एक डिसिप्लिन में हम आएंगे ना। इतना बुरा क्यों मानना है बात का? नहीं, जो पकड़ी हुई है कुछ भी है उसको चला के मार देगी, कॉपी है या कुछ भी है चला के मार देगी, डस्टर कुछ भी है मार देती है। हमको सर में भी मारी है, फिर हमको यहाँ पर भी लगा था, सैटरडे के दिन हमको अभी तक दर्द करता है। अच्छा एक बात बताओ बाबू, ऐसा तुम्हारे साथ होता है स्कूल में, मतलब तुम्हारे क्लास में कि किसी और बच्ची के साथ होता है? सिर्फ मेरे साथ। आई एम अ कंप्यूटर सेक्शन टीचर ओवर हियर एंड आई लुक आफ्टर द चिल्ड्रन ऑल्सो एंड आई हैव बीन अटैच टू दिस स्कूल इन वेरी न्यूली। वॉट आई फाउंड द प्रिंसिपल इज़ वेरी नाइस, एक्चुअली शी इज़ फॉर मेंटेनिंग द डिसिप्लिन ऑफ द स्कूल। Now we have, say, for about 150, 200, 300 students. So I, to tackle that 300, almost what I see, that one student, two student, they are out of order. Huh? But yesterday or day before yesterday, I was present there, and what I found that two children fought. Okay, so naturally, if someone comes in front of me and scolds me, I will get scared. So I was not ready to tell the truth. Now in whole school there is a CCTV. Okay, so when the CCTV was about to be on, so the girl was about to tell that yes, we were fighting, because the children issue, it goes like this. So some children are very disciplined and some are very naughtiest, right? But is it a punishable act? Pardon? If my children is very naughty, and they are doing a very disorder things like quarrel some students and all, but we have to adapt the way to make her understand. Yes, right? It is a very polite way. You are correct, ma'am. A chalk and something, but getting a physical. I think it would have been better if you had come, because there are some sorts of accident with her. Somebody died. As long as number of periods I have been with her, she's not that type. Okay, she's not that type. Because it is also unbearable from the parent side also. Why? Because the parents should come forward also. You have a one child, and we are looking after 300 children. Understand? So naturally, this is my saying, sister, and I think. What about, ma'am, if the child is getting some mental torture, right? Unable to tackle the activities, who is answerable for that? Yes, definitely the principal should be the answerable person, and I think this matter, it should have been discussed in front of the principal itself, because she knows the matter A to Z. But the parents are telling that the principal is not giving a friendly reply or cordial behavior towards that girl's parents. So what they actually have to do right now? I think that they have to come and they have to be in front of the principal for the discussion. Because if I say two words, it may be against, it may be for also. So this is not the way to discuss. It can be discussed in front of the principal, and thank you so much. बहुत अच्छा है मैम, ऐसा तो आज तक मैं यहाँ काम करी 6 महीना हो गया है। मेरे बच्चे भी यहाँ इसी स्कूल में पढ़े हुए हैं। मैं बचपन से ही अपने तीनों बच्ची को इसी स्कूल में डाली हुई हूँ। अब तो मेरा यहाँ जॉब भी हो गया है, तो मैं इसी स्कूल में 6 महीने से काम कर रही हूँ। मेरे बच्चे को प्रोग्रेस बहुत अच्छा। मेरे बच्चे जब एडमिशन कराए थे तो उस टाइम थोड़ा वीक थे, अभी क्योंकि लॉकडाउन की वजह से पढ़ाई थोड़ा कमज़ोर हो गया है, इसीलिए मैम थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्लासेस भी ले रही हैं, जबकि हम लोग को छुट्टी भी किसी चीज़ का नहीं मिलता है। हम लोग को पढ़ाई अच्छे से हो रहा है स्कूल में। नहीं, मैं स्कूल के बारे में पूछी हैं तो हम उनके बारे में बता रहे हैं। लगातार प्रिंसिपल के रवैये पे यहाँ पे जो परिजन आए हुए हैं जो सवाल उठा रहे हैं, क्या कुछ आपका प्रिंसिपल के प्रति राय है? देखिए मैम, मैं अपनी थिंग से बताऊंगी तो मैम बहुत अच्छी हैं। जहाँ पे वाजिब बात जो बोलना है, तो इंसान प्यार से तो नहीं बोलता, थोड़ा सा स्टिक होके ही बोलता है जहाँ पे जो चीज़ बोलना है। अब जैसे कि दो पक्ष में हुआ है बात, तो उनके पेरेंट्स से बात हुई है, इनके पेरेंट्स से बात हुई है। ऐसा बात नहीं कि एक पक्ष की तरफ से बात हुई है। जो सामने वाली दूसरी बच्ची हैं उनको ही बुला के उनके पेरेंट्स से बात हुई है। वो साइकिल में आते हैं, अपने बच्चे को डेली लेके जाते हैं, सुबह आते शाम लेकर के जाते हैं। इनकी बच्ची मेरे ही साथ आती है, बस में आती है, जो कि आना जाना हुआ। बच्चे लोग एक साथ रहते हैं, ग्राउंड में कुछ खेले, धक्का मुक्की हुई है, उसी वजह से जो कैमरा हम लोग के स्कूल में पूरा लगा हुआ है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे गिरते हैं, चोट लगती ही है, इतना बड़ा इशू कुछ नहीं हुआ है। बच्चे ये उनके पेरेंट्स को बुलाया गया, इनके पेरेंट्स को बुलाया गया, दोनों को बैठा के बात किया गया, ठीक है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।